हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फसली चलोमीकर फिर से। और आज हम बात करेंगे मैथ की, और मैथ की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो हमारे प्रीवियस पेपर में सी टेट के जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, हमारा जो है सी टेट 2015 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसी में से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लोग सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं प्रश्न है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देख, क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी के बक्सों में 10 या 290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें आती हैं और बक्से का मूल 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का मूल्य क्या होगा? यानी कि लकड़ी के बॉक्स है, बक्सों में 10 या 290 पुस्तक क्या करनी है, पैक करना है। यदि एक बक्से में कितनी पुस्तकें आती हैं, 98 पुस्तकें आती हैं, और एक बक्से का जो मूल्य है वो कितना है, 518 है, तो पुस्तकों पैक करने में बक्सों का मूल्य क्या होगा? तो हमें निकालना है, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए, दस हजार दो सौ नब्बे, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 98 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, 98 पुस्तकें कितने में आते हैं, सिर्फ एक बक्से में आती है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बक्से हमें चाहिए। तो इसका हम इसके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9105। ये हमारा आ गया भाई, हमें 105 बक्से चाहिए। अब हमें टोटल बक्सों का मूल्य पूछा। देखिए, 501 बक्से का मूल्य 518, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का मूल्य क्या होगा? तो भाई, ज़्यादा बक्से होंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे कितने टोटल अमाउंट। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं कितने का, 518 का। तो हम इक्वल टू अगर इसको करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 54,390। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54,390। यही हमारा आंसर निकल के आया। गुणा भाग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट आ गई और भी क्वेश्चन इसी तरीके से। देखिए, हमारा दूसरा सवाल है, लिखा है 10,000 + 1,000 = 10,000 इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने को कई बार, मतलब सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं इनके, ये वाला हो सकता है कि ये इस तरीके का ऑप्शन दिए। अब हमें इनको सॉल्व कैसे करना है इस सवाल को। देखिए क्या है, 10,000, तो 10,000 पहले लिखेंगे हम, ठीक है। आगे फिर दिया हुआ है इसमें 1,000, तो 1,000 का मतलब 10 पे आएगा ना 100। देखिए 10 ये हो गया, अब जी 100 हो गया। वैसे देखो, इकाई दाई सैकड़ा, यानी 100 यहाँ आता, लेकिन क्या बोला इसने, 1,000। तो हम क्या करेंगे, 1,000 कर लेंगे इसको ऐसे करके। आगे 10,000, यानी कि देखो इकाई ढाई यहाँ आता है, लेकिन क्या बोला है, 10,000, तो हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। अब हम इसको प्लस कर देंगे 0,0,1,1,1, ये हमारा आंसर निकल के आया। तो ये हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन में मिल रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में, देखो जरा, यही हमारा आंसर बन जाए। इस तरीके से हम इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या हो जाता है, पेपर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरीके के क्वेश्चन, और गलती भी बहुत हो जाती है। चलिए आइए आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये लिखा हमारा, 12,112 को 11 से और 13,323 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले हम 12,112 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, 1 शेषफल आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 13,323 को कितने से, 13 से, तो देखो हम करते जाएंगे 13 से डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा लास्ट में आकर 3 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 3 शेषफल। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 बचेगा शेषफल। शेषफल कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा, डिवाइड करेंगे हम तो, है ना, 2। तो 1 + 2 = बराबर हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा स्टार्ट आगे क्वेश्चन एक और नया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 56,431 में 6 के स्थानीय मान
तथा चार के अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, 56,431। अब इसका जो स्थानीय मान छः का क्या पूछ, स्थानीय मान छः का स्थानीय मान कितना है हमारा 6,000, और आगे पूछा है चार के अंकित मान, चार का अंकित मान तो अंकित वही सेम होता है, तो ये क्या है इसका आ जाएगा चार, ठीक है। यहाँ अब इसका अंतर पूछा था, हम इसको माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में 4 का 6 बचा, यहाँ पर यहाँ बचेगा हमारा 9, है ना, 9 बचा, और यहाँ भी हमारा आगे भी बच जाएगा 9, और आगे यहाँ बचेगा हमारा 5, तो यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, तथा सबसे बड़े सार्वगुणन खंड का गुणनफल होगा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसका 30, 36, 42 का, 30, 36 और 42 का अगर हम लासा निकालते हैं तो हमारा निकल के आएगा 1260 से हमारा लासा आ जाएगा, और अगर हम इनका मासा निकालेंगे इन्हीं का ही 30, 36 और 42 इनका अगर हम मासा निकालते हैं तो हमारा निकलेगा कितना, 6 मासा निकलेगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 1260 × 6 का हम गुणा करेंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, उसमें क्या पूछा है, इसमें गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल हम क्या करेंगे गुणा करेंगे मासा और लासा में, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 7,000, कितना आ जाएगा हमारा 7,560, 7,560 हमारा यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए इनका हम एलसीएम निकाला, पहले एलसीएम निकले करें 1260 आया, अब इनका हम मासा निकाला तो मासा कितना आया 600 आया, अब 1260 में 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें क्या पूछा, गुणनफल पूछा है, गुणनफल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7,560, यही हमारा क्या आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, क्या पूछ रहा है हमें, जी इसके जो भी गुणनखंड होंगे फैक्टर्स होंगे उनका क्या पूछा, हमसे योग पूछा है, जो 7 के गुणज हैं, और क्या होंगे 7 के वो क्या गुणज हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा 84 है, 84 के धनात्मक जो गुणनखंड हमारे निकलेंगे तो वो होंगे हमारे 7, 7, 14, 21 और 21 हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा हमारा 28 और 1 हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा हमारा सेम यानी कि 84 भी हो जाएगा, ठीक है 84 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनको 7, 14, 21, 28, 42, 84 ये हमारे क्या है गुणन वो हो गए, गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों क्या करेंगे हम, इनको गुणनखंडों का योग पूछा है तो योग करेंगे हम, तो अगर हम इनका योग करते हैं सबका तो योग हमारा निकल के आता है 196, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दिल्ली में समय 8:49 PM हो रहा है, तब सिडनी में अगले दिन 1:19 AM का टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है AM का टाइम है, AM यानी कि सुबह का AM का है, यदि दिल्ली में 11:19 AM है तो सिडनी का समय क्या होगा। इस तरीके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है हमें पहले तो 8:49 PM यानी कि शाम का टाइम हो रहा है दिल्ली का समय, और सिडनी का 1:19 AM यानी कि दूसरे दिन का समय है, तो AM कब होगा, रात के 12 बजे के बाद ही हो जाता है, तो 1:00 यानी कि रात को 1:12 के बाद AM चालू हो जाता है, तो इसका और इसका हमें पहले डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो 1:19 को हम क्या रख सकते हैं, 1:19 को हम 12 लिख के, देखो 12 ऐसे कर सकते हैं हम 12, अब जो 19 है ना, तो हमने क्या किया एक घंटा इसको पीछे करके इसको 12 कर दिया है, और एक घंटे का मिनट कितना होता है 60, और 60 मिनट में अगर 19 प्लस कर दोगे
तो 60 में अगर 19 प्लस करोगे तो कितना कितना मिनट आ जाएगा, 60 में 19 मिनट को अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 79। ओके, अब 79 जो हो गया हमने ये वाला टाइम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1:19 को हम 12:79 इस तरीके से हमने लिख लिया, क्योंकि ये आसान हो जाता है। अब ये कितना है, 8:49 है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस के 9 में 9 0 के बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, और ये 12 में से 8 के 4। अब हमारा डिफरेंस अंतर आ गया कितना, ये आ गया कि जब दिल्ली में इतना टाइम बज रहा था और सिडनी में इतना हो रहा था तो उस टाइम डिफरेंस कितना है, 4.5 घंटे का। अब हम इसी तरीके से ये वाला सवाल आगे, हम 11:19 AM है तो सिडनी का समय क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 11:19 में कितना, 4:30 को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, तभी तो हमारा निकलेगा, क्योंकि 4.5 घंटे का ही डिफरेंस होता है। तो 19 का 9 आ जाएगा, 3 और 1 4, और 11 और 4 15, ये हो गया 15:49 का क्या टाइम हो रहा होगा वहाँ, 15:49 का मतलब है कि 3:49, ये कब है, PM, कब है ये PM, शाम का टाइम हो रहा होगा 3:49, क्योंकि यहाँ ये क्या हमारा AM हो रहा है, कहाँ दिल्ली में हो रहा है AM, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3:49 सिडनी में, उस टाइम कितने बजेंगे, 3:49 शाम का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं इस तरीके का और भी कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है, यानी कि एक मानचित्र पर कोई दूरी है जो आधा से एक वो आधा सेंटीमीटर दूरी जो होती है भूमि पर वो कितना बताती है, 125 किलोमीटर दर्शाती है, 125 किलोमीटर का ऊपर क्या है, आधा सेंटीमीटर। यदि दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनकी दूरी कितनी होगी, है ना, क्योंकि मानचित्र जो 125 किलोमीटर दूरी जो दिखा रहा है जमीन पर, वो मानचित्र में हम देख रहे हैं कितना आ रहा है हमारा, आधा सेंटीमीटर। तो आधा सेंटीमीटर जब दिखा रहा है तो हमें वो निकाल के देखना है कि ये मतलब जमीन पर कितना दूरी दर्शाएगा। तो मैं इसके लिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं वो चलिए आइए हम देखते हैं। तो देखिए 125 यहाँ देखते हैं, 125 किलोमीटर की जो दूरी है वो बराबर कितनी है, 1/2, यानी कि आधा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, 1/2 × 125, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो पता चल गया है, लेकिन हमें 2000 किलोमीटर की निकालनी है, तो × 2000 कर देंगे हम। अब इसको काटपीट करेंगे, चलो मैं काटपीट कर देता हूँ, देखो 25 से हम इसको काटेंगे, 25 × 25 = 125, और 25 × 100 होता है, 25 × 8 कितना हो जाएगा, 25 × 8 = 200 हो जाएगा, कट गया। अब जी जीरो जो आ गया, अब देखिए इसका डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 और 80, अब 80/10, अब 10 × 8 = 80, तो यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो मान जो जमीन की दूरी 2000 किलोमीटर है और उसे अगर मानचित्र पर हम देखेंगे तो कितना किलोमीटर दिखाएगा, वो मानचित्र के अकॉर्डिंग 8 किलोमीटर दिखाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई कमी है तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।